नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई में। जी हाँ भाई, विजिट में अभी तो हालांकि फ्लाइटें बंद हो गई हैं 10 दिन का, तो अभी सरकार ने बोला है, वीए की सरकार ने, आगे इसको कितने लंबे समय तक खींचा जा सके। हो सकता है पाकिस्तान का आपने देखा होगा भाई, फ्लाइटें वगैरह वीज़ा उनके तो हालांकि वीज़ा बंद थे, फ्लाइटें भी अभी बैन हैं इंडिया की बात करें तो। लेकिन फिर भी यहाँ से इंडिया से काफ़ी सारे हज़ारों की संख्या मुझे लगता है अभी भी इंडिया में लोगों के वीज़े आए पड़े होंगे दुबई के खासतौर से, और बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग इंडिया के दुबई में गए होंगे विजिट वीज़ा में। जी हाँ, ये विजिट वीज़ा में जाने वाले हम 64 पीपल्स की बात करेंगे। इंडिया के 64 लोग थे जो दुबई में फंसे हुए। जी हाँ साथियों, अभी की रिपोर्ट है, लेटेस्ट अप्रैल की बात करें तो फर्जी एजेंटों ने यहाँ से उनको वहाँ भेज दिया और वहाँ पे सबको एक ही कमरे में रखा गया, जैसा कि न्यूज़ में जो बातें बताई गई उस हिसाब से मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। 64 लोगों को एक रूम में रखा गया। जी हाँ साथियों, ये लोग कहाँ के बता दूँ, ये नौकरी का वादा, इनको अच्छी सैलरी, रहना खाना, कुछ से अच्छी जॉब पोस्ट के लिए अच्छी तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपये प्लस रहना खाने के वादे पे इनको वहाँ पे भेजा गया था। जैसा कि उन्होंने बताया कि 1,50,000 पर कैंडिडेट इन्होंने खर्चा दिया है। जी हाँ, उनके ये बंदे कहाँ के थे, दिल्ली, बिहार, यूपी। जी हाँ, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के फंसते हैं भाई, यूपी और बिहार। खास तौर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों को आपको फंसाया जाता है। मेरे पास भी जितने भी कॉल आते हैं यूपी बिहार वाले बंदों के, सबसे ज़्यादा आप लोगों को ठगा जाता है। चाहे आप चंडीगढ़ में ठग रहे होते हैं, चाहे पंजाब में कनाडा के नाम से ठग रहे होते हैं, चाहे आप दुबई के नाम से ठग रहे होते हैं। जी हाँ, अब इसमें बताया गया है कि हमसे 1,50,000 रुपये लिया गया। काफ़ी एजेंटों ने, 2-4-5 एजेंटों ने मिलके इनको भेजा वहाँ पे। आपको पता है एक सिस्टम होता है, यहाँ के एजेंट पासपोर्ट विजिट वीज़ा दिया, वहाँ पे भेज दिया। वहाँ के एजेंट इनको एक रूम किराया लेके बैठे होते हैं, वहाँ पे इनको सबको रख लेते हैं। काफ़ी लोगों को एक एक महीना वहाँ पे बैठना पड़ता है, उनको जॉब नहीं मिलता। और कोविड का टाइम, ये रमज़ान का महीना, कहाँ जॉब है भाई। लेकिन एजेंट बोलते हैं जी हम जॉब तो भरे पड़े हैं, लोग रोड पर आवाज़ दे दे बुलाते हैं, आ जाओ जी आ जाओ, हमारे पास जॉब ही जॉब है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, जैसा कि वो बताते हैं ऐसा नहीं होता है। 64 लोगों को एक रूम में रखा गया, इन्होंने बताया। रहने को, खाने को भी इनके साथ प्रॉब्लम हो गई, एक समय का इनको खाना मिल रहा था। काफ़ी लोग, अब 64 में से कुछ लोग होशियार होते हैं तो उनको फिर धमकी देना, मारपीट करना भी एजेंट लोग कर लेते हैं। वो एजेंट जो दुबई में बैठे हैं उनको ये लगता है कि दुबई के किंग तो हम ही हैं, क्योंकि ये जो गरीब तबके के लोग होते हैं, अनपढ़ कैटेगरी के लोग होते हैं, ब्लू कॉलर के जॉब वाले होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इंडिया में लोग दुबई में जाने की सोच लेते हैं और वो पहुँच भी जाते हैं, तो उनके सामने एजेंट एकदम, वो तो अपने आप को 30 मार का समझने लग जाते हैं ना। इसलिए हो सकता है धमकी भी किसी को दे दें, मारपीट भी कर सकते हैं। एक पंजाब का केस भी मेरे पास आया था कि एजेंट मारपीट की धमकी दे रहा है, ये कर दूं, वो कर दूं, पासपोर्ट नहीं दूं, फाड़ के फेंक दूं, ऐसा कुछ एजेंट बोल देते हैं। लेकिन उनको नहीं पता, जब ये कि पुलिस तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हारी पैंट पिछवाड़े से और आगे से दोनों तरफ से गिल्ली हो जाएगी। समझ गए बात को, अच्छे से बंदे के सामने आप लग गए ना तो जेल में जाकर लाइफ टाइम के लिए डिपोर्ट हो सकते हो आप। आपको ये समझ लेना चाहिए कि पहली बात तो आप 2 नंबर का काम कर रहे हो, ऊपर से हेकड़ी किस बात की भाई। जो पैसा लिया है तो उनको टाइम पे जॉब दिलवाओ, बात खत्म। वीजा लग गया, बंदा क्यों बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। उनको कोई शौक थोड़ी है कि माथा बच्ची करे, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी में इंसान को बोलना पड़ता है। एक समय का खाना नहीं उनके साथ सही तरीके से उनको जॉब मिला, भूखे मरने की नौबत आ गई, तो उन्होंने किसी अच्छे, वहाँ पे देखिए हर जगह कहीं ना कहीं अच्छे आदमी मिले जाते हैं, वहाँ पे इंडिया का कोई अच्छा आदमी उनको मिला, खाने की व्यवस्था करवाई। उन्होंने फिर इंडियन एम्बेसी को सूचित किया, इंडियन एम्बेसी सतर्क होके एजेंटों से कॉन्टेक्ट किया। जी हाँ, एजेंटों से सबसे कॉन्टेक्ट करके ऑफिसों में, ये एक दो बंदे थे, उन्होंने फिर ऑफिसों में गए सबके पास। आपको पता है पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, हमेशा ध्यान रखें विजिट में आप जा रहे हो, आपका पासपोर्ट पहले ही ले लेते हैं। अब पासपोर्ट ऑफिसों में डाल दिए, कहाँ डाले, फिर इनके पासपोर्ट इकट्ठे किए। इनमें से आधे लोग इंडिया आ गए, आधे लोग अब गरीब आदमी होते हैं यार बेचारे, इनको पता है इंडिया जाके क्या करेंगे, ये पैसा हमारा लग गया, कौन देगा इसका पैसा, तो इससे बढ़िया कि हम यहीं पे जॉब कर लें। तो कुछ बंदे आए, कुछ बंदे वहाँ पे जॉब के लिए लग गए, इंडियन एम्बेसी की हेल्प की वजह से, कुछ सज्जन बंदे थे उनकी वजह से हेल्प मिली, तो कुछ को इंडिया वापस भेजा गया, 18-20 बंदों को कुछ को वहाँ पे जॉब पे लगवाने की कोशिश की गई। तो कहने का मतलब ये है, ये जो फर्जी एजेंट हैं इनसे भाई बच ले, अच्छा होगा आपके लिए। और अभी तो फ्लाइटें बंद हैं तो आपका मैटर क्लोज हो गया, लेकिन फिर भी जो लोग दुबई में बैठे हैं विजिट वीज़ा में गए हुए, वो जो पैसे जिस बात के दिए ना वो कंप्लीट करवाओ भाई,
आपको शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि पैसे जिस दिन एजेंट को दिए थे तो आपकी डील हुई होगी, ये जॉब मिल जाएगा, इतनी तनख्वाह मिल जाएगी, ये जो वगैरह वगैरह, इतने टाइम में आपका जॉब लग जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, वो कंप्लीट करवाओ। और नहीं करता है तो उसकी फिर उसको उसके हैंडल उसके तरीके से उसको समझाने की कोशिश कीजिए। बस ये अपडेट देनी थी भाई, ध्यान रखें, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीजन करके साथ। जय हिंद।